बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। प्रचंड गर्मी के बीच सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान मरने वालों में 58 भारतीय जायरीन भी शामिल हैं। मरने वालों की उम्र 60 साल और उससे अधिक है। भारत के कुछ लोग लापता भी हैं, उनकी तलाश जारी है। हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लियाकत अफाकी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि उनमें से अधिकांश सुरक्षित हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी हज पूरा कर सुरक्षित भारत पहुंचे। सऊदी अरब में तापमान 52 डिग्री के करीब है। इस बीच हज यात्रा पर गए भारतीयों ने बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने पानी की गंभीर कमी, अपर्याप्त आवास, परिवहन सेवा की कमी और खिदमत के लिए गाइड की अनुपस्थिति सहित अन्य शिकायत की है। वहीं एक मुंबई के निवासी ने कहा कि 5 लोग हज के लिए गए थे, हमसे प्रति व्यक्ति 3,20,000 रुपए लिए गए, लेकिन सुविधाएं नहीं थीं। जहां ठहराया गया वह अस्त व्यवस्थ पड़ा था। आगे कहा कि वहां पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों के साथ अनजान लोगों को भी ठहराया गया। हमें सुबह से शाम तक बस का इंतजार करना पड़ा। अन्य देशों के लिए एसी बसें थीं, पर हमें स्कूल बसें उपलब्ध कराई गईं। बस ने हमें 10 किलोमीटर दूर उतार दिया। हमें चिलचिलाती गर्मी में पैदल चलना पड़ा। टोल फ्री नंबर पर भी फोन नहीं लग रहा था। वहीं 32 वर्षीय फहद हिंगवाला ने कहा कि छोटे देशों की ओर से उपलब्ध होटल, टेंट और अन्य सुविधाएं भारत की तुलना में बेहतर थी। जानबूझकर दूसरे लोगों को हमारे परिवार के साथ ठहराया गया। हालांकि हज समिति ने सभी आरोपों से इनकार किया है। हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लियाकत अफाकी ने कहा कि हमने उचित व्यवस्थाएं की, आवास की शिकायतें थीं, लेकिन उसे ठीक करा दिया गया। बड़ी संख्या में एक समय फोन लगाने पर टोल फ्री नंबर लगाने में असुविधा हो रही होगी।